अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स, माहिर इंजीनियर मोहम्मद अली, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रमज़ान को मुकम्मल तौर पे एंजॉय करने के बाद अब बाइकिंग टूर के साथ, ये देखिए पूरे बाइकिंग गियर के साथ सेफ्टी प्रोटेक्शन अपना ऊँट बांध कर और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करके ये हसीन वादियाँ जो देख रही हैं यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। और मैं मेरे साथ माशाल्लाह मेरे बेटा भी मेरा छोटा साथ आया और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया ईद को, क्योंकि हमने रमज़ान भी इंजॉय किया था। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ इंजॉय करते थे और आज हम अल्लाह के करम है शुक्र अदा कर रहे हैं, अपनी नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रख रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, जितना अदा करें उतना ही कम है। अब देखिए ये मनाज़िर, ये बताऊँ मैं, मेरे वाले साहब अल्लाह के दर्जा बुलंद करें, वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह जब फिर के आए ना तो मुझे कहने लगे कि यार अली मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, एल्प्स कुछ नहीं है हमारे यहाँ का नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले। मैं छोटा था उस वक्त, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कि जब मैं खुद फिर के आया और उसके बाद आके मैंने देखा एक फ़र्क मुझे मिला। हुस्न में अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है ना, ये सारी इससे बहुत ऊपर है, लेकिन उस हुस्न को बिगाड़ने में हम उनसे बहुत ऊपर हैं। स्विस वालों ने सिर्फ ये काम किया, उन्होंने एल्प्स के इस हुस्न को मेंटेन किया। हम मैंने यहाँ पर देखा कि हम लोग जाते हैं, ये मैं अगर आपको दिखाई दिए, देखिए नीचे ये तरबूज, ये कपड़े, ये चीज़ें, ये कुत्ते प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें यहाँ खाया, बर्गर उसका रैपर, ये रैपर्स वो रैपर्स, ये यहाँ पर गन, ये वाला लिफाफा इधर गन, मतलब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र ऐसे अदा करते हैं जैसे हम अल्लाह पर भी नऊज़ुबिल्लाह एहसान कर रहे हैं। अभी देखिए कितने खूबसूरत वो झील, वो झील से कह रहा हूँ जा रहा है, वहाँ पर लोगों ने मुकम्मल गन डाला हुआ है। और फिर हम ये तवक्कुल करते हैं कि यार इस मुल्क में कोई हुकूमत आएगी। मुझे बड़ा मज़ेदार अभी एक वाकया मुझे याद आया कि वो एक मुझे बंदा मिला, मुझे कहने लगा कि सर आपको एक बात बताऊँ, कानून होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल कानून तो है। कहते सर उस कानून का क्या फ़ायदा जो कानून हमसे ज़बरदस्ती अपना आपको बनवा ना सके। अल्लाह अकबर, कानून तो अल्लाह ने भी दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। क्या हम उनको तो मानते हैं जो हमेशा कहता हूँ उनकी नहीं मानते। मेरा कानून मेरे अंदर किस काजी के पास है, अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा, अगर मैं गलत करूंगा, कि जो मैंने रमज़ान के मुसलमान बनने का ठेका उठाया था वो फिर अगले 11 महीने में उसको भूल जाऊंगा। दोबारा ये मेरे हाथ देखिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना। और मैं एक बात बताऊँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इंजॉयमेंट है ना इतनी ज़बरदस्त रही मेरे लिए, क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह का जिक्र भी किया, हमने एक दूसरे की कंपनी को मेरे बच्चों के साथ भी देखा, उन्होंने इंजॉय भी किया, हमने बारिश के मज़े लिए, हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस भी जेब में रखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं गन नहीं डाला, जहाँ गए वहाँ अल्लाह के सामने सर झुकाया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में डाल लेना तो ये जो जन्नत नज़ीर वादियाँ आप देख रहे हैं ना, हम इनके अहल हकदार बन जाएंगे। अगर नहीं डालेंगे तो तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तां। व्यूअर्स, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और आप सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बने, इंशाल्लाह ये बनेगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रूरत है साथी। मुझे आप में से एक चाहिए जो आज इस वीडियो के बाद में आपको बनते हैं और वो एक फिर आगे इंशाल्लाह सुनना शुरू करेगा। इसी के साथ ये दुआ और इसी इत्तिजा के साथ अल्लाह सुब्हानहु तआला मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हों, हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर का पानी पिए आखिरत में, हम सब रहमतुल करीम देखने की सआदत हासिल करें और जन्नतुल फिरदौसुल आला में हम सब एक दूसरे के हमसाइयों की इस बात गवाही दें कि अल्लाह हमने तेरे लिए ये सजदा शुक्र गुजार लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।